स्टडीज की गाड़ी चार पहियों बैठी की और तुमने ये चार चीजें मास्टर कर ली तो तुम्हें 80 और 80 आने से कोई रोक ही नहीं सकता। नंबर वन इज एक्यूरेसी। तुम्हारी बिजनेस स्टडीज केस स्टडी से भरी हुई है और केस स्टडी की एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने आंसर ही गलत पहचान लिया तो लिखोगे क्या मेरे भाई। नंबर टू इज द कीवर्ड एनरिच्ड कंटेंट। जो कंटेंट तुम लिखने वाले हो वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, उसमें फालतू बकवास नहीं होनी चाहिए और उसमें जरूरी बातचीत होनी चाहिए। तो जो भी तुम लिख रहे हो वो एनसीईआरटी कीवर्ड को कंटेन करे ताकि एग्जामिनर एक टिक मारे और 6 में से 6 नंबर। अब 6 में से 6 नंबर चाहिए तो तीसरा पॉइंट इज प्रेजेंटेशन। तुम जो भी लिख रहे हो अच्छी खासा स्पेशियस हो, डायग्राम्स हो, कीवर्ड्स हो, फ्लो चार्ट्स हो, वो इतना अच्छे से प्रेजेंटेड हो कि एग्जामिनर का देख के दिल खुश हो जाए। अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग खराब भी है तो वो भी चुप जाए और अच्छे से सब कुछ समझ आओ। नंबर फोर इज ये तीनों चीजें एट अ पर्टिकुलर प्रॉपर टाइमिंग, 2.5 घंटे 2 घंटे 40 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाए, स्पीड बहुत अच्छी हो जाए। ऐसी और रील्स के लिए डिकैप्टन को सब्सक्राइब करो एंड जो भी अच्छा बना लगाओ कमेंट में बताओ। थैंक यू सो मच।